नमस्कार, मैं हूं रवि प्रकाश और यह कार्यक्रम है संप्रति। इसकी इसकी क्या चुनौतियां हैं, इससे कैसे निपटना चाहिए और भी तमाम बातों पर, इसके लिए दो खास मेहमान हमारे स्टूडियो में हैं। हम स्वागत करते हैं मिनी रानी शर्मा का, जो ग्रामीण विकास विभाग में प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, और संजय मिश्रा जी का, जो प्रभात खबर अखबार के संपादक हैं। जो शब्दावली स्मार्टफोन वाली शब्दावली हो और हास्यास्पद स्थिति पैदा होगी, क्योंकि एक स्मार्टफोन की अंग्रेजी को या उसकी हिंदी को अगर हम लोग माने कि वही मानक हिंदी है या मानक अंग्रेजी है, उस समय दिक्कत होगी। इसलिए लोगों को बताए जाने की ज़रूरत है और उसी के लिए हम लोगों ने आज इसको बड़ी प्रमुखता से रखने की कोशिश की कि आप इसको देखिए, इसके किस तरीके से परेशानी का उत्पन्न हो रहा है। आपने तो काफ़ी वर्कशॉप किया, लोगों को सिखाया है, आप पुलिस वालों को भी साइबर की ट्रेनिंग दे रहे थे, साइबर अपराध की कैसी, मतलब कैसे थ्रेट कर रहा है आप कि आम आदमी की जो ज़िंदगी है उसको कैसे चैलेंज कर रहा है ये सोशल मीडिया। जैसे आप मान लीजिए कि जैसे आप ऑनलाइन होते हैं, आपने अपना फेसबुक ही सिर्फ मान लीजिए खोलते हैं, वैसे समझिए बहुत सारे एजेंसीज, हजारों एजेंसीज आपके ऊपर नज़र गड़ा लेती है। जैसे ही आपने प्रोडक्ट खरीदा, क्योंकि ये अब पूरा एक बिजनेस बन चुका है, हर एक प्रतिदिन फेसबुक 20 पेटाबाइट डेटा खरीदती है, मतलब 10 to the power 20 समझ लीजिए, उतना डेटा वो रोज खरीद रही है। तो आप समझ सकते हैं वो इस इन्फॉर्मेशन आज के डेट में हर एक क्लिक पे उनकी कमाई है। इतने सारे कंपनीज है जो यही एनालिसिस करते हैं कि आप कौन कौन कंज्यूमर उसके हैं, क्योंकि आजकल आप ज़्यादातर क्या करते हैं, ऑनलाइन ही खरीदते हैं, तो उनको कंज्यूमर भी ऑनलाइन ही देखना है। तो ये ऑनलाइन जब आप हैं तो बहुत सारे खतरे हैं। और जहाँ तक आप अगर आपकी बात करें स्मार्टफोन का, जैसे सर बता रहे थे, तो स्मार्टफोन में जब भी आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो वो तो उससे ज़्यादा डेंजरस कुछ हो ही नहीं सकता है, खास करके तब जब उस मोबाइल में आप बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग भी करते हैं। क्योंकि ऐप जैसे अभी बहुत प्रचलित है आजकल ऐप, कि आपको बूढ़े में आप कैसे दिखेंगे तो कैसा दिखिएगा आप, तो वो आप डाउनलोड करें, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि वो कोडिंग किस चीज़ के लिए है। वो हो सकता है आपका सारा डेटा कैप्चर कर रहा है, ठीक है। आप सिंपल हम एक टॉर्च वाला ऐप बोलेंगे कि टॉर्च ऐप आप डाउनलोड कीजिए, लेकिन वो एक्चुअली वो ऐप आपका पूरा मेमोरी को स्कैन करेगा, आपके क्रेडेंशियल्स चोरी कर सकता है, की लॉगर हो सकता है उसमें। इसीलिए जब भी कोई आप ऐप डाउनलोड करते हैं, चाहे वो गेम ही क्यों ना हो, बहुत सारा मालवेयर जो है वो गेम है, जैसे एंग्री बर्ड्स टाइप का, वो भी मालवेयर निकला हुआ है उसमें। तो जब भी आप कोई ऐप डाउनलोड करें तो जो उसका सोर्स है वो देखिए, उसका वेबसाइट चेक करिए, ऑथेंटिक है कि नहीं, उसकी रेटिंग्स क्या है, ये सब। तो उनको ये पता होना चाहिए कि जो इनके हाथ में है वो कब उनके लिए औजार है और कब उनके लिए हथियार है, ये उनको पता चलना चाहिए। ये एक है कि इसका, इसके कई सारे फायदे हैं। आप ट्विटर पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं, मैं भी आपको फॉलो करता हूँ, हम लोग भी लिखते हैं, तो इसका जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो क्या क्या है, इसका फायदा कैसे उठाया जा सकता है? बिल्कुल, इसका जैसे आप डिबेट की बात हो रही है ना, जैसे कि फायदा नुकसान, तो पहली बात तो ये है कि आप इससे देयर इज नो एस्केपिंग, आप इससे हट ही नहीं सकते। अगर आज आपको बोले स्मार्टफोन के बिना काम कीजिए तो आपके लिए संभव ही नहीं है। लेकिन इसके दोनों प्रभाव है, डार्क साइड भी है और इसका वाइट साइड भी है। तो पॉजिटिव साइड तो ये है कि मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है, उसको आप प्रमोट कर सकते हैं, कोई अवेयरनेस आपको लाना, उसको आप स्प्रेड कर सकते हैं। जैसे अगर हम साइबर के बारे में ही अवेयरनेस है तो हम ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से ज़्यादा, अगर आप देखते होंगे, हम मेरा जितना भी रहता है ट्वीट या फिर कुछ भी पोस्ट, जनरली अवेयरनेस ही रहता है, और उसमें मेरा कुछ भी आप पर्सनल ज़्यादा नहीं देखते होंगे, पर्सनल मिनिमल है। तो ये है, एक आपको सेट करना है आप टारगेट कि वाई आर यू पोस्टिंग, हम इसलिए पोस्ट कर रहे हैं बिकॉज आई वॉन्ट टू क्रिएट अवेयरनेस। लेकिन अगर यही बात आ जाती पर्सनल, तो अगर बता रहे हैं कि हाँ, कुछ भी लिख दिया कहाँ है, जी क्या बिल्कुल है। उसके केस में तो मर्डर हुआ है एक बच्चे का, उसके पापा ने उसको बर्थडे में दिया स्मार्ट कैमरा जिसमें जीपीएस लगा, सब आता, उसने फेसबुक पर डाला, उसका लोकेशन पता, फिर कैफे में है, सब डाला। तो वो जो इंसान था चोर, उसको सब मालूम था कि वो एग्जैक्टली रहता कहाँ है। तो इट इज़ वेरी डेंजरस। और मेनली जो बच्चे होते हैं ना, बहुत इनोसेंट होते हैं। और आजकल जो सोशल मीडिया में पॉजिटिव साइड तो ये है कि आप अपना कंपनी को प्रमोट कर सकते हैं, खुद को प्रमोट कर सकते हैं, इफ़ यू आर राइटर, जर्नलिस्ट, व्हाटएवर, यू कैन प्रमोट योरसेल्फ। लेकिन इसका दुष्प्रभाव ये है कि जब आप ऑनलाइन होते हैं तो बहुत सारे आपके पास लुभावने एड्स आते हैं कि आप ना ये इनकम, घर बैठे इनकम कीजिए, इतना ट्रेनिंग ले लीजिए, ये ऑनलाइन कोर्स MBA कर लीजिए, तो ये सब लुभावने वादे हैं। लेकिन आपको इसमें यही रियलिटी चेक करना है कि क्या ऐसा संभव है। अगर दूध 60 रुपये किलो है तो क्या कोई आदमी हमको 10 रुपये किलो दे सकता है? संभव नहीं है। इसका मतलब जरूर वो नकली दूध हमको दे रहा है।
तो ये चीज हमको रियलिटी चेक करना हो कि अगर एमबीए का कोर्स अगर 1 लाख पर सेमिस्टर है, कोई हमको 1 लाख में पर डिग्री दे रहा है, तो जरूर कुछ गड़बड़ है। और हर एक केस में यही करना चाहिए, फिजिकल वेरिफिकेशन करना चाहिए। अगर कोई इंस्टीट्यूट है जैसे हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का ऐसा फेक एडमिशन का झांसा दिया था ऑनलाइन वेबसाइट के, तो जब भी ऑनलाइन कोई वेबसाइट होता है तो आप हुईज से जाके और वो ऐप के चक्कर में रहेगा तो आप कितने दिन परीक्षा देगा वो? इस पर तो मेरे दो बच्चे हैं, एक बेटी क्लास 5 में, बेटा 10 में, ये असंभव है, वो रहेंगे ही नहीं बिना फोन। और तो अब हमें ये सच्चाई को स्वीकारना होगा कि हमें तो उन्हें स्मार्टफोन और ऐप देना ही है। अब दूसरा पॉइंट पे आते हैं कि उनको सजग बनाना होगा, क्योंकि ऑब्वियसली आप सही बोल रहे हैं, ये तो आइसिंग है, स्मार्टफोन केक के ऊपर आइसिंग, लेकिन केक में नहीं रहेगा तो आइसिंग क्या होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज का जनरेशन बिना स्मार्टफोन और बिना ऐप के रहेगा ही नहीं। अब उनको ये बताना है कि इसको यूज़ करो, लेकिन देखो इसका डिमेरिट्स क्या क्या है। वो आप जैसे आप सोशल मीडिया पे ही मान लीजिए हम कुछ पोस्ट कर रहे हैं तो हम अपने अकाउंट से डिलीट कर देंगे, लेकिन वो कहाँ कहाँ सर्वर पे है वो वहीं का वहीं रहेगा। तो सजग रहने की बहुत आवश्यकता है, खास करके यंगस्टर्स ही मेन इसके विक्टिम होते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2008 अमेंडेड, उसमें इससे पहले 66A सेक्शन था, लेकिन उसको फिर हटा दिया कि ये हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच को वायलेट करता है, तो उसके जगह पे अब हम लोगों को IPC का लेना पड़ रहा है। तो इसके लिए जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कानून है उसको, और जैसे सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि केवल सजगता काफ़ी नहीं है, हमें जो IT एक्ट है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा। क्योंकि जो 66A था वो सही था, उसका यही मकसद था कि आप किसी के बारे में गलत आपत्तिजनक नहीं लिख सकते, लेकिन उसके ऊपर किसी एक स्टूडेंट ने केस किया और सुप्रीम कोर्ट से फिर उसके बाद वो स्क्रैप कर दिया गया, कहा गया कि ये हनन कर रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच का। लेकिन उसी को घुमा फिरा के लाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जब तक हम जैसे लॉज तो पूरा बने हुए हैं कि अगर कोई भी हमारा डेटा चोरी करता है, सबके लिए कानून बना हुआ है, यहाँ तक कि साइबर टेररिज्म के ऊपर और हम बात कर रहे हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि वो हम उसको अलाउ करते हैं। जैसे आप ट्विटर की ही बात करते हैं, ट्विटर में आप कभी देखे नहीं होंगे, सेटिंग्स में जाइएगा तो उसमें बाई डिफॉल्ट रहता है कि आई कैन सेल योर डेटा टू थर्ड पार्टी, तो वो मैंने डिसएग्री कर उसको आपको डिसेबल करना होगा। जिसने ट्विटर इंस्टॉल कर लिया और उसको नहीं